नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई भर्ती के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो भर्ती है जूनियर इंजीनियर, सिविल, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए हो रही है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बताया नहीं गया है, यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज कहा गया है। पे स्केल आपको 13,150 रुपीज से 34,990 रुपीज तक मिल सकता है, यानी देखा जाए तो 13 से आपको 34,000 तक वेतन मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पोस्ट का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, डिप्लोमा अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास होना जरूरी है और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 30 साल है, यानी अधिकतम 20 से 30 साल तक के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है तो आपको आपके एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा होने वाली है। एप्लीकेशन फी एज पर रूल्स कही गई है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप ये या जो क्रेडिट कार्ड या जो एप्लीकेशन फी आप पे कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 7 जनवरी 2019 है और अधिकतम आप 27 जनवरी 2019 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट होगी जितने जल्दी हो सके इस पोस्ट को अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट डिटेल के लिए जैसे आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, जो पीडीएफ है आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो कि वेबसाइट की जो स्टार्टिंग डेट है या लाइव कब होने वाली है। तो 7 जनवरी से जॉब्स के जो भरने की जो सिलसिला है चालू हो जाएगा। 7 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हो और अधिकतम आप 27 जनवरी 2019 तक अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फी पे करने की जो है 27 जनवरी है, तो 27 जनवरी के पहले आप एप्लीकेशन फी पे कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 2019 में होने वाली है, तो अगले ही महीने ये एग्जामिनेशन हो रही है। जूनियर सिविल इंजीनियर पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट जोन वाइज रिक्रूटमेंट होने वाला है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे 5 जोन्स होंगे और जोन्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जोन्स के बारे में भी जानकारी बताई गई है। जोन यानी स्टेट्स को जोन वाइज रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप किस जोन में आते हो आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हो आप ईस्ट जोन में कौन से स्टेट्स आते हैं, वेस्ट जोन में कौन से स्टेट्स आते हैं। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है जैसे हमने आपको पहले ही कहा है। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश डिसिप्लिन पेपर 1, इंग्लिश डिसिप्लिन पेपर 2, जनरल अवेयरनेस की भी एग्जामिनेशन होने वाली है। मैक्सिमम मार्क्स 300 आपको लाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 पूछे जाएंगे, 150 मिनट्स की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जॉब्स के जो अपडेट्स आपको पाते रहने के लिए हमने हमारे ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पेज की भी लिंक्स आपको प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो और जॉब्स के अपडेट्स तुरंत पा सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें क्योंकि फ्री है। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि 50 रुपये है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 450 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। नेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये आप पे कर सकते हो। तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन फी पे करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।